बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। काफ़ी से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था कि नेटो सप्लाई कैसे बंद करेंगे, डॉलर की सप्लाई तो जारी है। वो उन्होंने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमदाद ले रही है। बहरहाल नेटो सप्लाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहाँ तक उसका दायरा इख्तियार था राइटली और रॉन्गली बंद तो की, लेकिन अब अमरीका ने कह दिया है कि अगर नेटो सप्लाई बंद होगी तो फिर डॉलर की सप्लाई भी बंद होगी। ये मामला इस तरह नहीं चलेगा, अमरीकी वजीर दिफा ने इसको बड़ा क्लियर किया है। एक तो अब ये जाहिर है नेटो सप्लाई, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने फिर इस बात को दोहराया है उन तमाम तर अफवाहों और खबरों की तरदीद करते हुए कि शायद धरना अपने अख्तिताम की जानब जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, नेटो सप्लाईज को तो हम बंद रखेंगे। तो जाहिर है अब इसकी मजीद अहमियत इस लिहाज से हो गई है कि अमरीका का एक बहुत रेलिवेंट अहदेदार, पिछले 4 सालों में पहले अमरीकी वजीर दिफा पाकिस्तान आकर आला तरीन अहदेदारों को अगर ये लाउड एंड क्लियर मैसेज देकर जाते हैं और फिर सरताज अजीज साहब ये यकीन दहानी कराते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा से नेटो सप्लाई बहाल करवा देंगे अगले हफ्ते और खान साहब कहते नहीं होंगे, तो ये मामला किस तरफ जाएगा एक, और दूसरा अगेन पिछली हुकूमत पर तो हमने इदारों की निचकारी, महंगाई और पुअर गवर्नेंस के हवाले से बड़े प्रणाम भी किए, बहुत बातें भी हुई। अब ये अल्लाह की शान है कि अब पिछली हुकूमत इस हुकूमत पर महंगाई, निचकारी और इन्हीं से मुतालिक अमूर पर बाकायदा एहतजाज कर रही है, और जाहिर है इसकी वाजे और माकूल वजूहत भी मौजूद हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब ने भी 22 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया। तमाम तर इशूज पर बात करेंगे। तीन मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं और आज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन मुकर्रर हो गए हैं, तो उसकी मुबारकबाद भी जनाब शेखुल असगर साहब को बहुत शुक्रिया वक्त देने का और मुबारकबाद भी। शाजिया मरी साहिबा नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही मुतहर्रिक मेंबर और मेंबर नेशनल असेंबली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात हैं जनाब शाह फरमान साहब। शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि शाह फरमान साहब से आगाज कुछ, आप बुजुर्ग हैं तो आपसे मैं पहले बुजुर्ग है ये शाजिया एग्री करते हैं, बिल्कुल सही, शुरू करें, शुरू करें। अब शेख साहब बहुत गुस्से देखने चले, खैर हम जरा इस पर आते हैं। शाह फरमान साहब मुझे बता दीजिए, अगर अमरीकी वजीर दिफा वजीर आजम साहब को ये कहते हैं कि आप नेटो सप्लाई की जो बंदिश है इसको खत्म करवाएं, बहाली यकीनी बनाएं वरना हम डॉलर नहीं देंगे, तो आपके ख्याल में वजीर आजम साहब का क्या जवाब होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो ये आप देखें कि ये कहां से आए, किस रास्ते से आए, और वहां पर हामिद करजाई ने मिलने से इनकार किया। हमें इनसे सबक सीख लेना चाहिए। और दूसरी, आप धमकी देखें, धमकी क्या है, हम आपको डॉलर नहीं देंगे। हाँ। और न्यू कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट यह है वसीम, हाँ, कि अगर आप माशी तौर पर आजाद नहीं है तो सियासी तौर पर आजाद नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। और यही तहरीके इंसाफ का नारा है कि हमने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। ठीक। ये वही अमेरिका है जिसने पाकिस्तान की मदद से एक सुपर पावर को शिकस्त दी। और मैं फिर से दोहराता हूं, ज्यादा तारीख में नहीं जाता लेकिन रेलेवेंट है कि मैं ये बात कह दूं कि अगर 88 में जनीवा कार्ड होता है, 89 में USSR की आर्मी विद्रॉ होती है, और 90 में अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेसिडेंशियल अमेंडमेंट आयद करके सारी इमदाद बंद कर दी। यानी जिसको पाकिस्तान के जरिए से दुनिया का वाहिद सुपर पावर बनने का एहसास हासिल हुआ, उसी मुल्क के ऊपर एक साल बाद उस जंग की इमदाद बंद की। अच्छा, आप शाह साहब, मैं भी इसको रिपीट करना नहीं चाहता, कौम का मैं भी इसको रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन रेलेवेंट है कि मैं ये कहूं कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि विफाक को भी चाहिए, अमरीका इस तरह धमकियों पर उतर आया है तो उससे कहे कि भाई डॉलर रखो अपने पास, तो फिर अगेन मैं रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन रेलेवेंट है कि मैं कहूं कि केबी की हुकूमत यूएसएड ना ले, सिंपल है ना ये तो बहुत। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं वसीम इसको मैं क्लियर कर दूं जी प्लीज, खैबर पख्तूनख्वा तहरीक, अगर से आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि ऑन गोइंग मंसूबे है लेकिन उसमें भी ना ले, अगर अगर इतना ही अमरीकी इमदाद देना है, देखिए मेरी आप बात सुने, उसकी मैं एक वजाहत कर दूं, इसकी मैं एक वजाहत कर दूं जी। 1964 के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज ने प्लेज किया है कि उनके रिजर्व में गरीब ममालिक का हिस्सा इसलिए है कि वो गरीब ममालिक से रॉ मटीरियल लेके और उनके बिजनेस फ्लरिश हो जाते हैं, और ये प्लेज उन्होंने इसी तरह किया है कि ये फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं। कोई जिस तरह इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि हम नहीं देंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर ऑनगोइंग स्कीमों में है बेशक बंद कर दे, हमने कब कहा है कि वो हमें, लेकिन
इस जो आन गोइंग मनसूबे हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज की है, सिर्फ यूएस के नहीं है, कोई वन को बहुत कम हिस्सा यूएस का है, लेकिन फिर से मैं वसीम ये कह दूं कि अगर वो फेडरल गवर्नमेंट से कह सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर अगर वो चाहे आन गोइंग स्कीम पुराने कमिटमेंट वो भी बंद कर दे, लेकिन हमें अपने स्टान से नहीं हटना चाहिए। वो तो हमसे ज्यादा एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को वो जितना एड दे रहे हैं उसके बाद भी कर नहीं कहा कि मैं मिलने को तैयार नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं मसरूफ हूं। देखो आपने एक आजाद कौम की हैसियत से खड़ा होकर फैसले लेने, अगर आप सारी कौम को डराओगे कि खुदा ना खास्ता अगर अमेरिका नाराज हो जाए तो हम भूख से मर जाएंगे, तो ये बहुत गलत है। ये एक क्लास है जिनका इंटरेस्ट अमेरिका के साथ एसोसिएटेड है और वो क्लास मुसलसल इस कौम को डराती रहती है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट को लेकर रोहित अफजल साहब की तरफ आना चाहता हूं। उनके पास मौजूद ये एक तल हकीकत सही लेकिन है या नहीं, जो इमरान खान साहब कहते हैं आप इसको मानते हैं नहीं मानते हैं कि बहरहाल रखता तो हमें जूते की नोक पर ही अमरीका, मसलन अफगानिस्तान में अगर बेगुनाह बच्चे मारे जाएं जो कि बहुत काबिल अफसोस है तो उस पर तो माफी मांग लेते हैं, यहां पर हमारे 26 फौजियों की शहादत हो गई उस पर हमने क्या कुछ किया तब जाकर उन्होंने बड़ी एक ढकी छुपी सी माफी वगैरह मांगी। कैरी लोगर बिल पे हम शोर मचाते हैं, हिलरी यहां पर आकर कह जाती है माफी, हाँ एग्जैक्टली इसी मैंने कहा घुमा फिरा के, ठीक है कैरी लोगर बिल पे हम शोर मचाते हैं, हिलरी आकर कहती है पाकिस्तान में कि आपको अगर इतना बुरा लगता है तो आप ना लीजिए, और नेटो हम रोकते हैं तो चक हेगल आके कहते हैं कि यार इतनी प्रॉब्लम है तो फिर डॉलर भी ना लो, तो जूते की नोक पे तो रखते हैं। बात तो ठीक आप कह रहे हैं, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, मैं इस पे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। एक जिस वक्त पहले जब माजी में अमेरिकन्स ने जब आपकी एड्स रोकी थी, जब उन्होंने आप पे सैंक्शन लगाई थी, उस वक्त सऊदी अरब आपको पूरा सपोर्ट कर रहा था। अगर आप जरा चले जाए ना माजी ठीक सही, तो शायद हमारी याददाश्त ठीक नहीं है, भूल जाते हैं हम लोग। सऊदी अरब ने आपको सपोर्ट किया, ऑयल दिया, आपको सारा कुछ किया, उन्होंने सपोर्ट किया, आप सर्वाइव कर गए उस वक्त, और उस वक्त हालात भी कुछ बेहतर थे। उसके बाद दूसरी बात जो थी वो करजई साहब का ना मिलना, करजई हैज नथिंग टू लूज, उसको पता है कि मैं जब जा रहा हूं और अगले साल अमेरिकन भी वहां से जा रहे हैं, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो भले ना करे हाँ करे उससे उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप उसके साथ अपने आप को कंपेरिजन ना करें। बात बिल्कुल आपकी ठीक है, दुरुस्त है, मैं कहता हूं मैं इस बात पे बिल्कुल यकसू हूं, मेरा एक मौकफ है कि ये चीज जो की जा रही है ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है, बड़ा धब्बा और हमला है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है, जब अगर कहीं भी कोई हमला होता है तो उसमें वो लोग मारे जाते हैं, ज्यादा तादाद में वो लोग मारे जाते हैं जो लोग पाकिस्तान के मासूम लोगों के साथ खेलते हैं, उनकी जानें लेते हैं, शहीद करते हैं, फौजियों के गले काटते हैं, और बहुत सारे एक्टिविटीज में जेलें तोड़ के चले जाते हैं। बात कर लूं इस आर्ग्यूमेंट से, जो लोग इख्तलाफ नहीं भी करते वो भी ये कहते हैं कि भाई कल तक ये भी तो यही कह रहे थे, हमने मुस्लिम लीग के किसी ऑफिशियल से यह आर्ग्यूमेंट इलेक्शन से पहले नहीं सुना। मेरी बात तो अब आप वो बात कर रहे हैं, आपने पहले नहीं सुना हमने। अब देखना आप मेरी बात तो उचित ली ना, आपने आपने बात तो मेरी पूरी सुनी नहीं है, मैं आपकी बड़ी मैं इस बात से अब मैं चलिए मैं आपकी खिदमत में आखिरी जुमला पहले कह देता हूं। मेरा ये मानना है कि अगर आपने कोई नेशनल नेशनल लेवल पे कोई चीज करनी है या आपको करने जा रहे हैं तो आपको चलिए मुझसे आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हो सकते हैं, एएनपी तो वहां बैठी हुई है जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आप उनसे बैठ के बात कर लीजिए, आप हजरत रहमान साहब से बात कर लीजिए, आप पीपल्स पार्टी से बात कर लीजिए, आप हमारे साथ बात कर लीजिए, लेकिन अगर आप अकेले ही ये सब कुछ करेंगे तो आप वसीम आप मुझे एक बात बताएं, आपने खैबर पख्तूनख्वा में तो रोक दी सप्लाई लाइन, ठीक है, चमन को क्या कहेंगे, वहां से जा रही है, मियांवाली से भी जा रही है, हाँ। तो उसको क्या कहेंगे आप, तो आप आज खुद फिर अगले लोगों को मौका फराहम करते हैं, तो आपसे हंसे आज भी कहता हूँ कि ये इंतहाई खौफनाक चीज है, इस पर हमें मिलकर बैठ के फैसला करना चाहिए ताकि अगर कोई पैगाम जाए तो ऐसा जाए कि सारी कौम इसका जवाब नहीं देंगे, 11 मई से पहले आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने, मैं यही कह रहा हूँ ना अभी भी आपको यही कह रहा हूँ ना कि हमें बैठ के अगर इसको बंद करना है तो बैठ के सब बैठ के मिलकर बैठ के कह दीजिए बंद करना ताकि सभी उसमें उसको शादी मरी नहीं कह रहा बंद किया तो अच्छा नहीं किया, करना गलत है या कंसेंसस से बंद ना करना गलत है। देखिए अगर आप उसूली तौर पर बात करते हैं वसीम तो यकीनी तौर पर बहसियत कौम अगर आपके साथ कोई भी ज्यादती
या जुल्म हो रहा हो तो यकीनन एक उसूली मौकिफ की रोशनी में इस तरह का जो इकदाम है वो दुरुस्त है, लेकिन अब बहसियत कौम आपको यकजा भी होना है। डिवाइडेड ऐसे पेचीदा इशू पर हमें नजर नहीं आना चाहिए, ये इस इशू की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए भी गलत है। अगर हम तो उसका उसकी जो है इस इशू उसमें भी कमी अगर आपके ख्याल में प्रिंसिपल ये काम करना गलत नहीं है लेकिन तरीका कार गलत है, तो वो क्या चीज है जो आप लोगों को इस मौकिफ पे यकजा होने से रोक रही है? बात यह है कि तरीके इंसाफ के साथ क्यों नहीं खड़े? किसी भी किस्म की वायलेशन जो है वो आप किसी ऑफिशियल से जो है ना आप कई कवानीन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ये काम करे तो फिर वो कानून की वायलेशन हो जाती है। तो मेरे ख्याल है अगर ये कल्चर पाकिस्तान में किसी भी सूबे में या किसी भी शहर में ले लें आप, ये पैदा हो गया तो फिर जो जनरेशन आप देखेंगे आगे की वो बहुत खौफनाक होगी, वो बहुत खौफनाक होगी। देखिए अच्छी बात है, स्टैंड लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने नौजवान को इस काम पे लगा देना कि जो ट्रक वाला आए उसको रोको, उसके कागज चेक करो, दाढ़ी खींचो, जिस तरह भी तुम रोक सकते हो तुम करो, मेरा ख्याल है ये कल्चर प्रमोट हो रहा है जो हमें आगे जिसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। एक वो कल्चर था अफगान वॉर में जो पैदा हुआ क्लैशनकोव और ड्रग्स का। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सूबा जो है वो आपके पास एक IMF का अग्रीमेंट मौजूद है, एक IMF का अग्रीमेंट, IMF तो खैर वो आजकल IMF का भी बहुत ज्यादा अग्रीमेंट है, नहीं वो भी एक बहुत खौफनाक है, लेकिन दूसरी बात मैं कहना नहीं चाह रही थी लेकिन क्योंकि वो जहन लेकिन देखिए आपके पास एक नेटो सप्लाइज का अग्रीमेंट अब मौजूद है जो मुशर्रफ के जमाने में नहीं था। मेरे भाई जो आज बहुत वकालत कर रहे हैं उसी मुशर्रफ को रेफरेंडम में जिताया और उसके बाद ही ये जो नेटो सप्लाई का सिलसिला था वो और मजबूत हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, दे रहा है दुरुस्त है, अच्छी बात है, दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कह रही हूँ अच्छी बात है, लेकिन अब जो सूरत हाल है ना उसमें आपके पास फाइनली ये पिछली हुकूमत के दौर में जो 7-8 माह बंद रही सप्लाई उसके नतीजे में आपने एक रिटन अग्रीमेंट तय कर लिया है और पार्लियामेंट ने ही उस पर कंसेंसस करके और उसको आपने और रावलपिंडी में दिफा में सेक्रेटरी दिफा में और अमेरिकन अहदेदार ने साइन किया। चीजें आपको एक तरीकेकार से करनी चाहिए, क्यों नहीं करें हमारा भी, लेकिन साथ ही साथ अब जो प्ली वो लेते हैं आप पर अटैक करने की, जो कि एक प्ली दुनिया में अब आजकल एक टेररिज्म एक बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि एक चैलेंज बन गया है, वो प्ली यही लेते हैं जी पाकिस्तान में दहशतगर्द बैठा है। हाँ जी। और वो दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, मैं नहीं कहूँगी जो हमें मार रहा है, जो सड़क से अपनी माना है कि वो हमले में मारे जाने वाले अफगानी थे, ठीक है ना, आप नॉन पाकिस्तानी जो है आपके बच्चों को भी जो है इस तरीके से उनके साथ उनको ज़बह कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी, और उनकी वजह से ही हमारे ऊपर ये ड्रोन जैसा भी एक मसला पड़ा। एक मुझे और बात समझाइएगा शाह फरमान साहब, यानी एक तो ये बात जो शादी अमरी साहब ने की उस पर अगर से बहुत बात हो चुकी है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता कि आप जब भी रियासती या हुकूमती सतह पर कोई इकदाम करते हैं तो उसके दूर रस असरात का जायजा लेते हैं। अगर ये रविश परवान चढ़ जाए कि कोई पार्टी जिसकी हुकूमत भी हो उसी सूबे में वो हुकूमती सतह पर तो कोई और मौकफ अपने और पार्टी सतह पर अपने लड़कों से कहे कि डंडे उठा के खड़े हो जाओ, कागजात चेक करो, हुकूमती सतह पर तो ये और हुकूमती सतह पर वही काम ना करे, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? एक तो ये बात, इसका अगर आप जवाब देना चाहें, लेकिन मैं तो आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि एक लॉजिक जो खान साहब ये भी देते हैं कि आप ड्रोन के नतीजे में बेगुनाह लोगों को मारते हैं, रद्द अमल के तौर पर मजीद दहशतगर्द पैदा होते हैं, अगर ये लॉजिक ठीक है तो फिर ये लॉजिक उन 50,000 लोगों पर क्यों अप्लाई नहीं होती जो खुदकुश हमलों के नतीजे में मारे जाते हैं? वहां तो 100% बेगुनाह मरते हैं, उन 50,000 के रिश्तेदारों से आपको खौफ नहीं है कि वो भी रद्द अमल के तौर पे खुद को शामिल करना शुरू कर देंगे? उनके साथ कोई यकजहती का इजहार एक रैली के और उनसे आपने किस अंदाज से इजहार यकजहती किया है? किस अंदाज में? ड्रोन वालों से किया, बड़ी अच्छी बात है, दहशतगर्दी वालों से किस तरह किया? जी शाह फरमान साहब, देखिये जी, हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, करते आ रहे हैं, चाहे वो रियासत चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे किसी इंडिविजुअल का हो, चाहे किसी ग्रुप का हो, इश्यू को हम जिस नजर से देखते हैं। वसीम, ये सूबा पाक अफगान रिलेशन के अंदर अगर फ्रंट लाइन प्रोविंस है, ये कोई भी सूबा हो सकता था। अगर सिंध के ऊपर ये हाल आ रहा था, अगर सिंध होता इधर
पंजाब वगैरह होता उनके ऊपर ये हालत आनी थी। ये जिस हालत से हम पिछले 35 साल से गुजर रहे हैं, आपने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम सुना होगा और मैं आपको भी इन्वाइट करता हूं कि आप मेरी बात ना सुने, आप यहां आके आवाम की बात सुने, उनसे डायरेक्टली पूछें कि ये जो हम कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। इसीलिए सर जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप एक नेशनल इशू को सूबा ही नहीं बना रहे कि इस सूबे में ये हो रहा है, सिंध में ये होता है, तो मैं उसके ऊपर आता हूँ। इससे तो दाता दरबार भी महफूज नहीं है, मामा अली रजा भी महफूज नहीं है, सिस्तानी भी महफूज नहीं है। फॉरेन पॉलिसी अफगान एक इशू हुआ था जो एक साल की बात पूरे पाकिस्तान में, पंजाब सिंध में दरगाहों में हो रहे हैं, पंजाब में दाता दरबार, कराची में मामा अली, मतलब ये तो ये सूबाई तो नहीं है मामला। वसीम इशूज को आप अगर प्रिंसिपल इशूज बना लोगे, देखो देखो वसीम अगर अगर तो ये शाजिया मेरी पॉइंट नहीं सुनेगी तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। मेरा नाम बिला वजह ना ले भाई, मैं चुप हूँ। शेख साहब बात कर रहे हैं, आप कहाँ चुप है, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हो तो अब मैं क्या, आपने मेरा देखे, मैं हमने हांगू के अंदर एक वाकया हुआ, वो कानूनी तौर पर हमारा हक था कि हमने FIR कटवाई और जिसने किया उनके नाम डाले कि ये जिम्मेदार है, ये एक कानून है उसके ऊपर, बजाय इसके कि फेडरल गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन दे, जो कि उनकी जिम्मेदारी बनती है फेडरल गवर्नमेंट की कि वो हर फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ में है कि वो हर पाकिस्तानी की इज्जत माल और जान की हिफाजत करे, बजाय इसके कि वो हमारी अगर पाकिस्तानी हो तो हमें ताने तो पाकिस्तानी नहीं थे वैसे अफगानी जी। अब जाके CIA वालों को अरेस्ट करो, अब जाके अमेरिका चापे मारो, यानी जब इतने के साथ सर झुकाए हुए हम बात करेंगे, यानी कोई हमें मारे और अगर हम FIR में नामजद करें कि जी इन्होंने यहाँ पर हमला किया, अच्छा हम इतने तो कमजोर हैं कि जो यूनाइटेड नेशन वाले बात करते हैं कि जी सॉवरेंटी की वायलेशन है वो भी हम नहीं कह सकते, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बात की कि वार क्राइम है वो तो चलो वो हम कहां कह सकते, जो ह्यूमन राइट वॉच ने जो बात की है, जो दूसरे हमारे लिए बात कर रहे हैं वो भी हम नहीं कह सकते। लेकिन हेलो जी जी, हमें हमें आपकी आवाज आ रही। अच्छा ये बात अब मैं सिर्फ ये बात शाह साहब, लेकिन अगेन वही बात है, मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन ये रेलेवेंट है कि मैं पूछूं कि जो काम आपके कारकुनान कर रहे हैं उस नेक काम से हुकूमत को क्यों महरूम रखा है? दो सिपाही खड़े रखे हैं, उनको ऑर्डर दें हुकूमती सतह पर तो नाटो सप्लाई बंद हो जाएगी और ये इल्जाम लगना भी बंद हो जाएगा। आप क्या जो हमने 4 नवंबर को पास कराया वसीम, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके ऊपर यूनानिमस जो रेजोल्यूशन आया उसके अंदर ये लिखा गया था कि हम 4 नवंबर को ये जो रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक हम उम्मीद रखते हैं, ये जो हमारे दो ये मेहमानों ने जो बात की कंसेंसस की, हमने कहा कि 20 तारीख तक हम फेडरल गवर्नमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमें तनहा नहीं छोड़ेंगे और इसके ऊपर कोई लायहमत अख्तियार करेंगे जिससे हमें एहसास होगा। इट्स अ क्लियर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम तो अभी तनहा नहीं छोड़ रहे, हम तो ये कह रहे हैं। देखिए वसीम मार पड़ेगी, आज क्या किया नहीं, आपने क्या किया इनके लिए, इनके तहफ़ुज़ कह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट से बहुत शिकायत होगी अपोजिशन को, हमें भी ये है कि जब APC हुई 9 तारीख को, उसके बाद एक बहुत लंबा प्रोसेस जो हमें नजर आया लेकिन उसमें हमें कोई खातर खा पेशरफ्त नजर नहीं आई। ठीक है उसके दरमियान बहुत इंसिडेंट्स हुए और बड़े अफसोसनाक जो है इंसिडेंट्स हुए, सानहात जो पेश आए जिसमें हमारे फौजी नौजवान भी थे और हमारे मेजर जनरल साहब भी थे और फिर ये चर्च का जो हादसा था और एक बस के ऊपर जो है कि इस तरह के भी वाकयात सामने आए, तो ये एक टाइम था जो उसके इट वाज इन बिटवीन आफ्टर 9th और ये वाकयात होते चले गए। हमें भी शिकायत है, हम भी कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उन लोगों की खास तौर पे जिम्मेदारी है जिन्होंने इलेक्शन की मुहिम में इस पर बहुत जोर डाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो हम खुद हाथों में ले लेंगे। आप ये पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आप उन्हीं से बात करेंगे, ठीक है, आप अपने फोरम्स को यूज करेंगे, कानून को नहीं तोड़ेंगे, जो अग्रीमेंट्स हैं उनकी रोशनी में काम करेंगे, इस रियासत को रियासत की तौर पे आप चलाएंगे, मैं और कौम को साथ लेकर। एक मैं छोटा सा ब्रेक लेके, उन्होंने कहा कि जिन्होंने इलेक्शन के दौर में ये कहा था, इलेक्शन के हमें भी बहुत शिकायत,
देश का जवाब। वो नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप में देख रहा था इलेक्शन के दौर में, इलेक्शन की बात कर, वो अगले इलेक्शन का कह रहे थे, वो अगले नीचे लिख देना था या उनको कह देना, उसमें कह रहे थे कि ये महंगाई महंगाई होगी तो मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, वो अगले इलेक्शन का कह रहे थे, सुकून से नहीं है वो। चले वो मैं ब्रेक के बाद दिखा दूंगा और पे जरा एक बात कर लेंगे, ठीक है। एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस समय मैं देख रहा हूँ इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज उनको एक जज साहब ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सचिन तेंदुलकर हैं, आए, आए, आए। एक जज साहब ने कहा है और एक ने कहा है कि हमें जिस तरह की वकला की मोहब्बत हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए देखी है ऐसी किसी और के लिए नहीं देखी थी, तो वो सारे भी तारीफी कलमात कहे जा रहे हैं, राइटली सो। आप भी कह रहे हैं, मैं एक ब्रेक लेता हूँ और और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद जारी रखते हैं। जनाब इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। इस आखिरी लम्हात में कमने कुछ जरा महंगाई और इस हवाले से करनी है बात, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम का नाम है 11 तार तो हम हर डेवलपमेंट को उसमें बुलाते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब बस ये 24 घंटे की बात है अब तो, अच्छा 11 तार मैंने समझा 11 बजे नहीं नहीं ये उस हवाले से कि हम आखिरी डेवलपमेंट को भी इनको करते हैं। तो पहले मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम बाकायदा अपने आखिरी मौजू पर 7-8 मिनट में बात करें महंगाई के हवाले से, इफ्तिखार चौधरी साहब को किन अल्फाज में याद करेंगे? शेख अल-अज़हर साहब, जो शख्स चला जाए उसको 6 अल्फाज में याद कर लीजिए, ये तो बड़ी डिप्लोमेटिक सी बात है। आप अपने तासरात बताइए। मैं तो एंकर हूँ ना, मैं तो राय नहीं दे सकता। क्यों एंकर की कोई राय नहीं? हम ट्रांसमिशन करेंगे 1-3, उसमें मैं बैसी तज़ियाकार बैठूंगा, उसमें मैं आज कर लीजिए ना, आज दे तज़िया आप, आपको आपको बैठने का मौका नहीं मिला। मैंने तो कहा जो शख्स चला जाए, आपने बड़े प्रोग्राम उसके मतलब आप अच्छी राय रखें ज्यादा बेहतर रहती है। आप इस तरह आप यकीन माने तो इन अदालत नहीं होगी, आप यकीन माने, मैं कुछ डरता नहीं हूँ तो इन अदालत से, आप कमेंट ही करना नहीं चाहते हैं क्या? मेरी उम्र है डरने वाली? मकसद ये है कि अब बात ये है, बात ये है, मेरा मानना ये है कि जब कोई इक्तदार में हो या कोई अपनी इक्तदार में नहीं रहे, नहीं मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि चला जाए तो फिर आप उसको अच्छे अल्फाज में याद कीजिए, मतलब मैं सुनहरी दौर के तौर पे याद रखा जाएगा उनका दौर, वैसे सुप्रीम कोर्ट की हद तक, सुप्रीम कोर्ट की हद तक, अवाम की हद तक, अवाम को इसका क्या क्या फायदे क्या पहुंचे होंगे? मैं पूछ, आप ही ख्याल में पहुंचे अवाम को फायदा? मतलब अवाम का तल्लुक तो निचली कोर्ट से, उन्होंने निचली कोर्ट को बेहतर करने में किरदार अदा किया। कोर्ट तो उस तरह ही जो सुनने में आता है, जो देखते हैं आपके प्रोग्राम में देखते हैं, देखिए जाके निचली कोर्ट, मेरे ख्याल से तो लोग अभी भी वहाँ वकील नहीं करते, जज कर लेते हैं। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप खुद इससे बाखूबी आगाह हैं कि निचली कोर्ट में जो होता है वो आपको भी पता है, मुझे पता है, साला साल बरसा बरस गुजर जाते हैं वहां पे, उनके फैसले नहीं होते और उससे फिर वो इंसाफ का वो सारा खत्म हो जाता है। तकाजा जो सही रहे, आम आदमी का तो ताल्लुक 99% निचली कोर्ट से पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट तो ये हम लोगों की अयाशी है, वो तो देखा ना, सुप्रीम कोर्ट तो ये है ना कि आप जो हाई कोर्ट से जो सजा होके आती है सुप्रीम कोर्ट, वो सारा सुप्रीम लेवल सुओ मोटोज होते हैं जो जिससे आपको। शादिया साहब किन अल्फाज में इफ्तिखार चौधरी साहब को याद रखा जाएगा? ये कहूंगी कि ये एक खुशाइन बात है पाकिस्तान की तारीख में, एक और ऐसा सफर जो कवानीन के मुताबिक खत्म हुआ, ठीक है, और जो बातें हो रही थी इस पोस्ट के लिए भी हो रही थी, पहले भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से भी हो रही थी, तो मेरा ख्याल है कि इदारों, ये इदारों की साख होती है, ठीक है, जो रहती है और जो रहनी चाहिए, तो अपनी परफॉर्मेंस और रेप्यूटेशन से साख बनती या बिगड़ती है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो होती आई है कि फ्रॉम वन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू अनदर डेमोक्रेटिकली, फिर एक और इंस्टीट्यूशन है, आदमी लोग आते जाते रहते हैं, अदारों को इदारों की साख, मैंने कहा पिछले 5 सालों में इदारे अहम हुए सुप्रीम कोर्ट में या कोई एक शख्सियत अहम हुई? ये बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा आपसे शेख साहब, कल अपने वो जब आप इसमें राय नहीं दे रहे शेख साहब? नहीं आप तजिया दे दीजिएगा ना अपना, आप तो दीजिए आज, मैं कल मुझे बचा के रखे, मैं चुका हूँ पेश नहीं हुआ इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा कमाल है, मैं शाह फरमान साहब से पूछ लेता हूँ, आप जवाब दे रहे हो। तो शाह फरमान साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब ने आज कहा है इदारे नहीं शख्सियात अहम होती है, शख्सियात तो आती जाती रहती है, पिछले 5 सालों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हद तक सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा मजबूत हुआ या कोई एक शख्सियत बहैसियत शख्सियत मजबूत हुई और ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट उस शख्सियत के गिर्द घूमती रही? देखिए जी, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को एसर्ट करना चाहे तो वो जो
इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए मोमेंट थी वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए थी। ठीक है, और ये इफ्तिखार चौधरी साहब को ये क्रेडिट मैं जरूर देना चाहता हूँ कि बिलाखिर कोई बंदा आजाद जुडिशरी के लिए कड़ा रहा। और ये उसमें जात की बात नहीं है, इफ्तिखार चौधरी साहब या कोई भी इंडिविजुअल्स, इदारे मजबूत होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब ज्यादा आजाद है, पावरफुल है, इससे पहले कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं थी। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अब हमने पिछले 5 साल में नहीं देखी। कोर्ट हुकूमत के ऊपर को अदलिया का चेक रहा, हुकूमत ने अदलिया को किसी गलत काम करने पर मजबूर नहीं किया। ये एक अपवर्ड मूवमेंट है, मैं समझता हूँ कि इसके मुस्तकबिल में अच्छे असरात होंगे, अच्छे असरात मुरतब होंगे। ठीक है, अब मैं फाइनली जरा आखिरी 5-6 मिनट में चाहता हूँ कुछ ये इकोनॉमी इस हवाले से बात कर ली जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर बारे में कुछ फरमाया, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने जब यूथ इनॉग्रेशन प्रोग्राम था उसमें कहा कि भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन पॉलिसी ने मामला बड़ा खराब किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नेशनलाइजेशन को किन अल्फाज में याद किया था जरा दिखा दीजिए। कौमी इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहे हैं, हम 100% प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं। ये तो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हमारे इदारे अपने दोस्तों को दिलवा रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं, ये पर्सनलाइजेशन है और हम ये नहीं होने देंगे। ठीक, अब शादिया साहब बड़ा ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग ना हो जाता बिलावल साहब का अगर वो साथ में सिर्फ ये ना बताते कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं बल्कि पर्सनलाइजेशन है, बल्कि ये बताते कि देखो हमने अपने दौर में इन इदारों के साथ ये किया जिसके नतीजे में देखो ये इदारे कितने लॉसेस में थे जब हम आए, और जब हम गए तब देखो कितने फायदे में आए, वो ज्यादा एक तगड़ी बात होती। ये तो एक लफाजी हुई ना करीब। देखिए बात यह कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसी तकरीब में जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की थी, यूथ प्रोग्राम है उनका, उसकी शायद लॉन्च थी, उसके अंदर जब वो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने, मैं नहीं जानती कि वो उनकी नज़र में एक डिक्टेटर का दौर सुनहरा था, और उन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पर तनकीद की, वो शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ किया है जो तारीख में आज भी किसी ने, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, उनके बहसियत जमहूरी इकोनॉमिक पॉलिसी भी, मैं तो कहती हूँ सर फेरिस्त साहब ने मेरे ख्याल रेपिटेशन की है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुद कह चुके हैं कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ठीक नहीं थी। नो नो, आई विल टेल यू। देखिए बात ये, मैं आपको बताती हूँ, आप तो तारीख को पढ़े होंगे, आप तो खुद सेकंड तारीख, मोहतरमा ने खुद कहा था कि ये हमारी गलती थी जो हमने अदारे नेशनलाइज किए थे, फिर उसके बाद देखा होगा। वैसे मैं एक और आपको देखिए, नेशनलाइजेशन उस वक्त की बात है, देखिए सर्कमस्टेंशियल काफी चीजें होती हैं। आप उस वक्त देखिए एक सोशलिस्ट दौर था, गरीब भूखा मर रहा था, गरीब भूखा मर रहा था, बड़े हीरोज थे जी दुनिया में। भुट्टो साहब ने आखिरी द्वार में ये देखा था कि ये चीज जो की गई है इसके कोई मुस्बत नतीज बरामद नहीं हुए थे। जमहूरियत और आमरीत से तो ना जुड़े ना, इसमें भुट्टो साहब ने जमहूरियत के लिए किया, इसको तो डिस्क्रेडिट नहीं किया नवाज शरीफ साहब की जात पे। कोई एक इकोनॉमिक प्रोग्राम की इनॉग्रेशन थी, उस पे इकोनॉमिक पॉलिसी पे कमेंट, मैं इस पे सम अप करता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। भुट्टो साहब की जात के ऊपर उसका मुखालिफ हो या उनके दोस्त हो, नहीं सकता ना, कोई उनपे उंगली नहीं उठा सकता। मेरे ख्याल ये पॉलिसीज पे लीडरशिप नहीं, भुट्टो साहब की पॉलिसीज पे डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन उनकी अंदर साहब ने कहा कि भुट्टो साहब को सलाम पेश करते हैं उनकी कौमियाने की पॉलिसी के खिलाफ। दूसरी दफा मैं, मेरा ख्याल है कि अगर कैप्टन सफदर साहब बात ना करते और कोई और करता तो बेहतर लगता, उनके इंतहाई अच्छे इकदाम करता तो अच्छा लगता। मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ, देखिए नेशनलाइजेशन पॉलिसी, और देखिए जिस वक्त उन्होंने इदारों को नेशनलाइज किया, जिस सोच से किया, आपको वो सोच समझनी चाहिए। ठीक है, सोच समझनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोहतरमा ने दुनिया का ट्रेंड बदलते देखा, वो गलत था। नो नो शादी, अब प्राइवेटाइजेशन का दौर है ना, वो उस वक्त की जरूरत थी। आगे बढ़ते हुए आपने मेरे पिछले सवाल का तो जवाब ही दिया,
आपका प्रोग्राम 22-23 खानदान पाकिस्तान में इससे पहले की मेरा प्रोग्राम खत्म नजर आ रहे थे, उन्हीं में से एक खानदान का मैंने वो रोहित साहब से पूछा। अब हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के कारखाने बंद हुए उस दौर में तो उन्हें परेशानी हो, लेकिन मैं तो गया था ना, मियां शरीफ साहब बड़े नाराज हुए थे, वो पूरी हिस्ट्री है, वो तो हुआ था ना सारा, इत्तेफाक स्टील के साथ सारा कुछ। तो मैं वही तो कह रही हूँ, पर्सनल ग्रज होगा, बट अवाम के लिए जो भुट्टो साहब ने किया यू कांट। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे पता है, मुझे ये पता है कि रोहित साहब आपने पिछले साल का मेरा जवाब नहीं दिया, इसका जरूर देंगे, मेरी ये मुश्किल हल करेंगे। बिलावल साहब ने कल ये कहा, मैं भी क्लिप भी दिखाता हूँ, कि उन्होंने कहा मुझे नहीं पता इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक की क्या है, और फिर अपने बड़े मासूमाना अंदाज में उन्होंने कुछ फरमाया भी कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी वो मुझे नहीं समझ आया, बताइएगा मुझे जरा, दिखाइए उन्होंने क्या आपको पता है, सुन ले। आई कैन फिगर द फेडरल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी इज बाय मंशा फॉर मंशा एंड ऑफ मंशा। ये कौन है मंशा? ये एग्री करते हैं। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, बिलावल भुट्टो साहब बात के हेड हैं। दीदी शाह साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, दीदी नहीं वो कह रहे हैं वो है पॉलिसी उनकी, मैं ये हमेशा नहीं, कौन है मेरा, क्या मतलब मेरा ये मानना है, देखे बात ये है कि ये हमारी एक रवायत बन गई हुई है, रवायत बन गई हुई है कि अगर कोई सर्कुलर डेट के हवाले से भी इनका नाम आया था जब पे ऑफ हो रहे थे, उसका भी कोई ऑडिट रिपोर्ट बाकी है। वसीम मैं आपको एक बात बहुत अपने पंथ शादियां ने भी पूछा, बता दे आप समझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, हम ना करें तो ना ऑफ द रिकॉर्ड आ गया। आपका मीडिया इतना इंडिपेंडेंट है कि कोई चीज छुपी रह नहीं सकती, लेकिन काश इंडिपेंडेंट मीडिया पे वो 500 अरब की ऑडिट रिपोर्ट आती है, गुजारिश सुन क्यों कितने मिले क्या हुआ सारा, मतलब जब जब साल के बाद आपका ऑडिट होगा तो उसमें आपको छुपा नहीं सकेंगे, खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करें, कैसे आप छुपा सकते हैं 500 मिलियन अगर आपने पे किया है तो जब ऑडिट होगा तो कहीं किसी किसी हेड से आएगा, अभी होने जाना चाहिए था, उसमें वजाहत भी होनी चाहिए, जब इतने इल्जाम लग रहे हैं एक इंडिविजुअल को, उसको नवाजा गया, किसी को नहीं नवाजा गया ना किसी को, फॉरेन टूर में साथ हैं वजीर आजम साहब के, ये बात नहीं है। वसीम बात यह है कि देखे जब शाजिया वगैरह की गवर्नमेंट थी, कोई शख्स किसी के साथ अगर फिर रहा है तो फौरी तौर पर यह एक जेन में परसेप्शन आएगा कि इसका कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर होगा, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि मैं खुद ये समझता हूँ, मैं मानता हूँ, अरे मैं एक बात को मानता हूँ कि ये अगर आप कोई ऐसे लोग, बल्कि फोरम बनना चाहिए ऐसे लोग जो पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करके आपको बेहतर, वही मेरा पॉइंट है, बहुत सारे बहुत सारे आप भी होंगे, बहुत सारे हैं, मैं वही यूज कर रहा हूँ, मैं हूँ टीम का हिस्सा हूँ, देखिए ना टीम का हिस्सा है, लेकिन टीम के लीडर हमेशा हमजा शहबाज साहब या मरियम साहब मंदी, चले वो मैं उसमें नहीं जाता, शाह फरमान साहब उधर पर्सन कैप्टन साहब, चले वो अभी घर की बात, उसको घर में रहने दें, छोड़ो ठीक है। अब शाह फरमान साहब फाइनली मुझे बताइए, एक तो वो धरना जारी है पिशावर में, वो एक और धरने का भी ऐलान कर दिया है 22 दिसंबर को लाहौर में, जो कि महंगाई के खिलाफ, तो ये सर एक आर्ग्यूमेंट ये उठता है कि आपको लोगों ने गवर्न करने के लिए और अच्छी गवर्नेंस के लिए वोट दिए थे, वो तो ज्यादा ऐसा लगता है कि तवज्जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स पर है और धरना पॉलिटिक्स पर है। खैर वो धरना तो लाहौर के अंदर हो रहा है, वो उसका तो केपी के धरने से कोई, जी हाँ वो जाहिर है, वो महंगाई के हवाले से वो लेकिन वसीम में आज ने जो आखिरी टॉपिक आपने छेड़ी है ये क्रक्स है, ये जो सारे मसाइल हम डिस्कस करने लगे। एक तो पहले आपने 70s में नेशनलाइजेशन की बात की, 70s का इशू आप आज के कॉन्टेक्स्ट पे डिस्कस नहीं कर सकते, वो पॉलिसी जो भी थी निकनीयती के साथ थी, ये मैं मानता हूँ, उस वक्त कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और सोशलिज्म और वो बड़ा पीक के ऊपर था, सेंट्रलाइज इकोनॉमी का एक टकराव था फ्री मार्केट इकोनॉमी के साथ, तो उस वक्त की जो हालात थे वो आज आप उस पैरामीटर के साथ नहीं देख सकते। एक बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये ग्रो कर रही थी, आखिर हमने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, और वसीम ये इतना इतनी ये बात तकलीफ दे है कि आज जो पिछले 40 साल के गवर्नमेंट्स हैं, खासकर पिछले 30 साल में कोई लॉन्ग टर्म मंसूबा नहीं आया, अगर कोई हुकूमत ये सोचे कि जहां पर पावर क्राइसिस हो और वॉरेंटल पावर जैसे मंसूबे पे अमल करें उनको चांस मिले, मैं बार बार ये कोट करता हूं वसीम कि ये हमारे सूबे के अंदर बाशा डैम और कालाबाग के अलावा 35,000 मेगावाट हाइडल पावर सस्ती तरीन बिजली मौजूद है, दिस इज क्रिमिनल कि पिछले 30 साल 40 साल में किसी ने इसके ऊपर ना इन्वेस्टमेंट की ना किसी ने इस तरफ ध्यान दिया। ये जो आजकल हमारा ट्रेंड जा रहा है कि हम
उन चीजों को डिस्कस इनकरेज कर रहे हैं जहां हमें कमीशन मिले, जहां हमें किकबैक्स मिले। लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की तरफ कोई नहीं जा रहा है। करप्शन करके दो नोट आ चुके हैं, 145 और ये सोच के उधर जाके रहेंगे और फिर हम डिक्टेट होते जा रहे हैं। इधर से अगर हम निकले, अगर हमने एक होम रहना है तो तबाही को आप रोकना की नहीं रोकना, आप कैसे रोकेंगे? तबाह कर दिया है सर आपके लोग, जो हम बता रहे हैं कितना दर्द था, बता रहे थे कि नोट छाप के आप फरमान साहब के दिल में कितना दर्द था कि यहाँ पे इतने मंसूबे बन सकते हैं। After the 18th Amendment, he has a full Even right. before the 18th Amendment, he had the right, right. Article 157. अब इनको हुकूमत मिली है ना, तो कर रहे हैं ना, चले वो तो इसमें नहीं, वो तो एक लिमिटेड था ना, आप इतने मेगावाट से ऊपर नहीं जा सकते, उसके नहीं आप इतने मेगावाट थे उसके ऊपर आप जाना होगा तो आपको लेना पड़ेगा, सॉवरेनिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब तो ऐसा नहीं है। चले अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, केपी के में उनकी हुकूमत है, पंजाब में सरकार की है और सिंध में आपकी है, तो फिर अब वो जाहिर है वक्त गुजरने के साथ साथ अंदाजा हो जाएगा। मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्र गुजार हूँ। हम ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे। श्रेल साहब आपकी तरफ से मैं इफ्तिखार चौधरी साहब को मुबारकबाद दे दूँ, तारीख खुद दी है, एक तारीख साज है दोनों ने, मैंने खुद दी है उस पर। ठीक नहीं, आपने लेकिन ज्यादा कमेंट नहीं किया इसलिए मैं कहा ऐसे नहीं, मेरा कमेंट सुनने के लिए आप कल की नशरियात देखिए, जिस बात का मुझे इल्म नहीं है मैं उस पर क्या कमेंट दूं। अब आप इतने तो अब मेरी बस्ती के मुसलमान बड़े भोले हैं शेख साहब, ये तो ना करे आप, कमेंट ही नहीं कर रहे आप। कितने नोट चले बहरहाल, बहुत नवाजिश तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करते हैं एक ब्रेक।